व्हाट्सअप गाइस। तो गाइस आज का वीडियो में आपका भाई जो है ना कुछ इसी टाइप की फोटो एडिटिंग करके सिखाने वाला, जैसे ना आप मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे गाइस, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगा सब कुछ एक एक स्टेप बता दूंगा, ठीक है। मैं आपको आज हेयर को एडिटिंग करना सिखाऊंगा, एंड यहाँ पे एक डॉन पीएनजी को ऐड करना है, एंड अपने फेस को स्मूथ एंड व्हाइट करना है, सारी चीज़ों को बहुत ही इजी स्टेप पर आज मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। एंड गाइस देख लीजिए यहाँ पे इसका नोरा फोटो है गाइस, आप लोग खुद देख सकते हैं कि जो हेयर है कितना बेकार है, एंड फेस भी कितना बेकार है, एंड बैकग्राउंड भी कितना ब्रेक है। एंड इसी वाले फोटो को मतलब यहाँ पर मैं एडिट किया हूँ, तो देख लीजिए फोटो कितना हाई डेंसिटी बना है। तो अगर आपको भी जैसा कुछ इस टाइप से फोटो एडिटिंग सीखना है तो आज के वीडियो अगर आप बिना स्किप के देख लेते गाइस, तो कुछ इसी टाइप की एडिटिंग आप बहुत ही कम टाइम में सीख जाएंगे। एंड इससे पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जब भी फोटो वीडियो को सबसे पहले आप तक पहुंचे इस वीडियो को स्टूडेंट का स्टार्ट। तो सिंपली गाइस स्टेज की एडिटिंग करने के लिए हम लोग को करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे आना होगा नॉर्मल फोटो पे। आज आपको एक एक स्टेप बताएंगे, आज वीडियो को आप मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो गाइस आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप अपने फोटो को सिंपली ओपन कर लीजिएगा यहाँ से पिकेड ऐप के अंदर। गाइस बहुत ही कम टाइम में सिखाएंगे, जितना बोले ना उससे भी कोई गुना कम टाइम में सिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से इसको अलाउ करेंगे, एंड गाइस यहाँ पे मेरा फोटो आ चुका है। एंड गाइस आने के बाद क्या करेंगे, सिंपली हम लोग सिंपली गाइस यहाँ पे एक ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, एंड गाइस ऐड फोटो पे क्लिक कर देंगे। एंड ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद आपको ऊपर सेंड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। मैं क्लिक कर दूंगा और गाइस मैं गूगल फोटोज पे आऊंगा, और यहाँ पे मैं थ्री डॉट पे आऊंगा, और यहाँ से मैं डाउनलोड पे आ जाऊंगा, और गाइस मैं यहाँ से सिंपली एक बैकग्राउंड का मतलब यूज कर लूंगा, जिस बैकग्राउंड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस बैकग्राउंड का लिंक मैं यहाँ से आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से इसको पूरा फुल बड़ा करने का फोटो के हिसाब से है। एंड गाइस ऊपर इरेजर वाले टूल पे आपको आ जाना होगा, ठीक है। इरेजर वाले टूल पे आइएगा, इसका हार्डनेस को 100 यहाँ से इसको इनवाइट कर देना होगा। अब गाइस आपको करना क्या होगा, आराम से मतलब केवल अपने बैकग्राउंड के ऊपर अपने ब्रश को अप्लाई करके एंड बैकग्राउंड को गाइस आप लोग चेंज कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। मैं इसको जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। सो गाइस तो देख सकते हैं कि फोटो का बैकग्राउंड मैं चेंज करूँ, एंड फोटो को यहाँ से गाइस सही कर लेंगे। एंड गाइस आपको हेयर को ऐड करना सीखेंगे, ठीक है। तो हेयर को ऐड करने के लिए आपको सिंपली ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा। एंड गाइस मैं ऐड फोटो पे आऊँगा, एंड गाइस मैं रिसेंट पे क्लिक करूँगा, गूगल फोटोज पे मैं आ जाऊँगा और यहाँ से आऊँगा, और गाइस मैं सिंपली यहाँ से एक हेयर पिनजू का लिंक मतलब यहाँ से एक हेयर पिनजू को ले लूँगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से बड़ा करूँगा, इस तरीके से, ठीक है। मैं इसको यहाँ से इस तरीके से बड़ा कर लूँगा, और ऊपर जो यहाँ पे इरेजर वाला टूल होगा इस पर आएंगे, एंड इसका हार्डनेस को मत करेंगे, ऑपेसिटी को हम लोग 56 के करीब करेंगे। एंड यहाँ से अपने हेयर के ऊपर कुछ स्टेप से ब्रश को अप्लाई करके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, अपने हेयर को इसमें मतलब मिला लेंगे, मिक्स कर देंगे और सही करेंगे, ठीक है। सही करने के बाद हम लोग इसको अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे, घबराइएगा नहीं, मतलब आराम से आप लोग वीडियो को स्टेप बाई स्टेप देखते हैं तो आप भी मेरे जैसे एडिटिंग सीख देंगे एंड फोटो को डन कर लीजिएगा। तो हेयर पीएनजी लग चुका है, एंड इस हेयर पीएनजी को लगने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग फिर से ऐड मोड पर आएंगे। सॉरी गाइस, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक डॉन पीएनजी को ऐड करेंगे। मैं जो चीज़ आपको प्रोसेस बताऊंगा, आप लोग डॉन पीएनजी को यूज करना बहुत ही आसान तरीके से सीख जाइएगा, आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आपको ड्रो वाले ऑप्शन पे आना होगा, देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा डॉन पीएनजी को ऐड करने के लिए, बहुत ही इजी स्टेप में बताऊंगा। एंड आपको यहाँ पे आ जाना होगा, मैं यहाँ पे आऊंगा फोटो वाले ऑप्शन पे आऊंगा, और फोटो वाले ऑप्शन पे आने के बाद रिसेंट पे क्लिक करके गूगल फोटोज पे आऊंगा, और उसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा जो डॉन पीएनजी मैं यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे डॉन पीएनजी है, हम लोग यहाँ पे आएंगे एंड इसको सही कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा डॉन पीएनजी है, एंड इस चीज को हम लोग इस तरीके से कर देंगे एंड यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब गाइस मैं करूंगा क्या, सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा, एक एक स्टेप बताऊंगा, आज वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, आप लोग एक एक स्टेप को फॉलो कीजिए। आपको यहाँ पे आ जाना होगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, और गाइस क्या करना होगा, आपको यहाँ पे एक्स ओ आर वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करना होगा, मैं क्लिक कर दूंगा, और गाइस मैं थ्री डॉट पे आऊँगा, और यहाँ से इसको मैं मर्ज कर दूंगा, और सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करके इस लेयर को नीचे करीब ला दूंगा, ठीक है। एंड गाइस आपको करने का होगा, आपको कलर वाले ऑप्शन पे आपको आ जाना होगा, आप कलर पे आइएगा, एंड गाइस आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से फिर से मैच करा के छोड़ देना होगा, एंड आपको सेव पे आना होगा। सेव पे आने के बाद आपको करने का होगा, इस वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक कीजिएगा, मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एंड इसको फुल कर दूंगा, एंड फोटो को यहाँ से सही कर दूंगा। एंड इस तरीके से आऊंगा, एंड यहाँ पे आराम से इस तरीके से हम लोग इसको बड़ा कर देंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा सब कुछ, एंड फोटो को गाइस यहाँ से हम लोग सही कर लेंगे। तो देख लीजिए आपके सामने डॉन पीएनजी कितना हार्ड एंड कितना अच्छा से लग चुका है, ठीक है। एंड इस फोटो को फिर से हम लोग ड्रो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फोटो को सेव कर लेंगे, ठीक है। फोटो को सेव करें, थ्री डॉट पे आएंगे और सेव इमेज पे क्लिक करके यहाँ से फोटो को मैं सिंपली ओपन कर लूंगा लाइटरूम ऐप के अंदर। सिंपली गाइस मैं इस फोटो को लाइटरूम के अंदर मतलब ऐड कर लूंगा, ठीक है। अब गाइस आपको एक एक स्टेप आज बहुत ही कम टाइम में सिखाऊंगा, कलर वाले ऑप्शन पे आप लोग आइएगा एंड मिक्स टूल पे आपको आ जाऊंगा, मिक्स टूल पे कैसे आइएगा एंड गाइस आपको इस वाले ऑप्शन पे आ जाऊंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा एंड इसका सिचुएशन हम लोग इतना माइनस करेंगे, मान लीजिए 45 एंड इसका लिमिटलेस को हम लोग प्लस कर देंगे मतलब 40 के करीब। एंड गाइस हम लोग क्या करेंगे, सिंपली रेड वाले टोन पे आ जाएंगे,
एंड इस रेट पे आने के बाद हम सिचुएशन को प्लस करेंगे यहाँ से 40,000 फोटो को डन कर देंगे। तो देख लीजिए बिफोर में कैसा का फोटो का मतलब फेस देखिए, केवल फेस पे आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा फेस कैसा था एंड आफ्टर में कैसा फेस हो चुका है। देख लीजिए बिफोर में कैसा फेस था एंड आफ्टर में कैसा फेस हो चुका है। एंड फोटो को यहाँ से हम लोग सिंपली शेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम अपने सबसे पहले तो फोटो को सेव कर लेंगे, फोटो को सेव करने के बाद आप शेयर करेंगे, ठीक है। आपको मतलब आपको शेयर कर लूँगा। अब आपको शेयर करने के लिए इस स्केटू का एप्लीकेशन के अंदर इस फोटो को आप लोग लेकर आ जाइएगा। इस एंड गाइस मेरा फोटो यहाँ पे आ चुका है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फोटो आ चुका है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक कट को अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक कट को अप्लाई करेंगे, तो कट को लगाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली गाइस आपको करना क्या होगा, सिंपली गाइस सिंपली प्रोसेस है एंड आसान प्रोसेस है। आपको गाइस करना क्या होगा, सिंपली गाइस आपको ए बराबर सेलेक्ट लूँगा, यहाँ पर ट्रांजेक्शन लिखा मिलेगा आपको, यहाँ पर एलोडस मिल जाएगा, इस पर क्लिक करते हैं, सेटिंग आएंगे, ठीक है। सेटिंग आएंगे गाइस ऑफ सो मतलब सॉरी गाइस फोलो को 100 स्टेन को 29 दोनों को सेम, घबराइएगा नहीं, मतलब साइज को 8, 9, 10 मतलब इस तरीके से कीजिएगा। तो मैं 9.9 किया हूँ और यहाँ से मैं कट कर दूंगा। अब इसमें क्या करूँगा, सिंपली मैं इस वाले ऑप्शन पे आऊँगा, सब कुछ एक एक स्टेप आज बता दूंगा वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे आप लोग आइएगा, यहाँ पे आइएगा, इस तरीके का पेज ओपन होगा, इसको इस तरीके से कर दीजिएगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कीजिएगा, मतलब इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे कट को अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, स्टार्ट स्टार्ट गाइस। और गाइस कट कितना हार्ड एंड चीज लग चुका है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब देख लीजिए फोटो कैसा बन चुका है एंड फेस को अभी स्मूथ करना सिखाएंगे आप लोगों को। फेस को स्मूथ करना बहुत ज़्यादा आप लोगों को हार्ड लगता होगा, लेकिन आज का वीडियो देख लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। आसान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बस पे आएंगे, आसान करने के लिए हम लोग सिंपली आते हैं और लाइब्रेरी पे आएंगे। और गाइस मैं थोड़ा सा नीचे की क्लिप आऊँगा और आसान करने के लिए आपको जो भी ब्रश बताऊँगा यूज को कीजिएगा एंड अच्छे से समझिएगा। आपको इस मॉड्यूल ऑप्शन पे आऊँगा एंड आपको यहाँ पे ब्रश मिल जाएगा, तो मैं इसको जस्ट सेलेक्ट करूंगा और मैं अभी सेटिंग पे आऊंगा। गाइस अभी आपका भाई सेटिंग पे आएगा और गाइस क्या करेगा आपका भाई, जो आपको बताएगा सेटिंग उसको आप लोग अच्छे से कीजिएगा। फोलो को 4 कीजिएगा, स्टेन को 4 कीजिएगा, इस दोनों को आप सेम कीजिएगा। साइज जो होगा थोड़ा सा आप अपने हिसाब से कीजिएगा, मैं यानी कर लेता हूँ और यहाँ से यानी से थोड़ा सा कुछ ज़्यादा 22 और कट कर देंगे। अब गाइस मैं करूँगा कि आप फेस के ऊपर इस तरीके से ब्रश को अप्लाई करूँगा, इस तरीके से देख लीजिए फेस कितना हाई एचडी मतलब स्मूथ रहा है, ठीक है। फिस को स्मूथ करना है 110% गारंटी, रियल है एंड आसान बहुत है, ये तो आसान बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। फिस को स्मूथ करना बहुत ज़्यादा आसान है एंड बहुत ज़्यादा आसान है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फिस को स्मूथ करना कितना हाई डेंसिटी मतलब मैं कर रहा हूँ। आराम से फिस को स्मूथ कर लीजिएगा, घबराइएगा नहीं, जितना हो सकेगा उतना आराम से, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा बहुत ही हाई डेंसिटी एंड बहुत ही आसान स्टेप में फिस को स्मूथ करना बहुत ही मतलब आसान है। आप लोग देख लीजिए ब्रश का यूज करते हैं एंड यहाँ पे देख लीजिए मैं आपको बताऊँगा सब कुछ एक एक स्टेप आज बताऊँगा वीडियो के अंदर, तो आप लोगों को कुछ भी समझ में आ जाएगा, सब कुछ आसान स्टेप में, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा, तभी गाइस आप समझ पाएंगे मेरे जैसे फिश को स्मूथ करना है, ठीक है। तो मैं साइज को थोड़ा सा प्लस कर दूंगा और साइज को गाइस मैं प्लस करने के बाद यहां पे आऊंगा और इसको मैं अच्छे से मतलब यहां पे अच्छे से फिश को स्मूथ करूंगा, घबराइएगा नहीं। अगर आप फिश को स्मूथ करने में घबराते हैं तो क्या होता है कि आप जो आप मतलब आपके हाथ होंगे उसको आप लोग अच्छे से अपने फिश के ऊपर आप लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं, इसी कारण से आप अपने फिश को अच्छे से स्मूथ नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपका भाई देख लीजिए कितना आसान स्टेप में करा है एंड अच्छे से अपने हाथ को ये मतलब यहाँ पे प्रोसेस को अच्छे से करा है, तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है दिखने में गाइस, देख लीजिए कैसा हो रहा है। एंड गाइस मैं आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को समझ गए, तो मैं फिर से मिलता हूँ गाइस एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस इतना ही।